जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्विन सिटी हाइप क्लियर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद खालिद खटक साहब जो कि शागिर्द हैं उस्ताद मोइन नवाज़ कुम्मन साहब के, और उनकी छत पे मौजूद हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने भी आज 21 कबूतर जो है उसके प्यारे में हिस्सा लिया हुआ है, और अभी तक 4 कबूतर जो है वो इनके बैठे हैं और बाकी जो है वो अभी महवे परवाज़ हैं। तो जो जो भाई हमें देख रहे हैं साथ साथ वीडियो को शेयर करते रहें, और वीडियो ऑडियो क्वालिटी का भी हमें कंफर्म कर दें कि आप तक कैसी पहुंच रही है, ताकि हम जो है वो फिर बाकायदा जो है आपकी बात करवा सकें शायद साहब से जो कि छत के केयर टेकर हैं और माशाल्लाह भाई भी हैं उस्ताद खालिद खटक साहब के, और हमारे साथ नासिर भाई भी होंगे जो कि शागिर्द हैं उस्ताद खालिद खटक साहब के, और उनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं कबूतरों के बारे में। तो ये माशाल्लाह छत का व्यू भी मैं आपको दिखा दूं, ये देखें बहुत ही प्यारी बहुत प्यारा सेटअप बना हुआ है माशाल्लाह। ये ऊपर है सेटअप, यहाँ से रास्ता जा रहा है ऊपर, और ये नीचे माशाल्लाह ब्रीडर कबूतरों का सेटअप है नीचे। तो बहुत ही प्यारी छत बनी हुई है माशाल्लाह, चक्री रोड रावलपिंडी। जी मोहम्मद असद अली, ठीक हो गया, वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी इज़ गुड। चलें थैंक यू सो मच बताने के लिए। और ये बाकी दोस्त हजरात हमारे साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह, शहबाज भाई बैठे हुए हैं, इरफान भाई, तोकीर भाई, बाकी उन क्या नाम है वो तोकीर वो भी शागिर्द हैं जी उस्ताद खालिद फटक साहब के, और बाकी दीगर शौकीन हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे मैं, बल्कि नज़दीक हो जाता हूँ। सुना जी कितनी छतों कितने टूर्नामेंट में आज ये छत जो है शामिल है आज की 21 इस्लामाबाद के जो टूर्नामेंट है 15 सितंबर का जो वनडे ऑर्डर है उसमें पिंडी रावलपिंडी इस्लामाबाद से ना हम 15 छतों में हमारी एंट्री है। 15 टूर्नामेंट में आज आज की जो है कितनी मतलब जितने ही उड़े थे आपने सब में एंट्री डल लगी माशाल्लाह, सही हो गया। तो अभी तक पोजीशन क्या रही है आपकी, कितने कबूतर? 4 कबूतर बैठ चुके हैं, 11:41 पे, 4 कबूतर बैठे हैं, एक मादी नीचे आई हुई है। अच्छा अभी एक नज़र आ रही है, दो शो हैं हमारे इस वक्त कबूतर। सही हो गया। तो क्या क्या देख रहे हैं आगे, जैसे जैसे अब वक्त कम होता जा रहा है तो कबूतर हमारी काफ़ी तैयारी में है। सबसे पहले कबूतर हम निकालते हैं हर साल जब हर पटाई के बाद ना जी स्टार्ट से निकालते हैं। इस साल तो बहुत ज़्यादा बाघ वगैरह का हमारे एरिया में अटैक था। अच्छा वो तो उसकी वजह से नुकसान हुआ है हमारे मोन कबूतर जो पर पटाई की 10-12 कबूतर हमारे पास के अटैक में आए, कुछ जख्मी हुआ है कुछ को ले गए जी। कबूतर हमारे इंशाल्लाह तैयार है, इंशाल्लाह बैठेंगे सर, उम्मीद है इंशाल्लाह सब बैठेंगे सही। मतलब एक दो कबूतर का शाम तक बैठने की चांस। अच्छा रात के अंधेरे के आपने मतलब लाए हुए तकरीबन इसमें
अच्छा माशाल्लाह, देखते हैं कि क्या रिजल्ट देते हैं। चलें जी, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि आपके कबूतर सारे बैठें और अच्छा देखने को मिले। अच्छा, असू के वाले से स्पेशली बात करेंगे, क्या चैलेंजेस होते हैं असू के और आप उनको किस तरह पे डील करते हैं, थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करें हमारे शौकीन हजरात को। असू के हवाले से ये है कि मौसम का जो है, असू के बाद जो मौसम आता है ना, ये चल रहा होता है ना, वो बड़ा अजीब किस्म का मौसम होता है ना जी। कबूतर को रवा रखना स्टार्ट में, कबूतर के कुंदे वगैरह में मसले मसाइल आते हैं, टेम्परेचर का फर्क होता है जी। तो ये है कि, और इस दफ़ा ऐसे हुआ है कि वैसे तो हम रूटीन से ना कबूतर 9-10 बजे निकालते हैं कटाई के बाद जी, लेकिन इस दफ़ा हमने स्टार्ट से 7 बजे 6:30 बजे निकालना शुरू किया। अच्छा, हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि हम पिंडी इस्लामाबाद में सबसे पहले कबूतर निकालते हैं और उसका हमें नुकसान इसलिए ऐसे होता है कि अभी एक बाज बैरी जो होती है ऊपर से जिनके ऊपर अटैक करती है वो कहीं भी और सिर्फ हमारे सर्कल में कबूतर उठते हैं ना जी, तो इधर कहीं से इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसी हुई है। मैं पिछले 10 साल से इस घर से मतलब कबूतर मैं पिछले 10 साल से उड़ा रहा हूँ जी, इस दफ़ा ऐसी हुआ है कि एक 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 टाइम में 6-6, 7-7 बाज भी हैं। अच्छा सर्कल में? अच्छा, ये इससे पहले मैंने नहीं देखा। नहीं देखा, हाँ जाहिर बात है जब हमारे सर्कल में इतने ज़्यादा कबूतर उड़ रहे होते हैं स्टार्ट से, हम 50-60-70 एक दिन में निकाल रहे होते हैं तो उसका नुकसान भी हमें होता है जी। तो बाकी तो ये है कि कबूतर की तैयारी तो हर कबूतर के बाज को पता है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं कबूतर निकालते जाते हैं तो कबूतर के तक कुंडे बनते जाते हैं, तो उसमें जो है ना कबूतर ऊपर खड़े हो जाते हैं। ये एक दफ़ा बाज की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। मौसम के हवाले से कैसे देखते हैं, क्योंकि मौसम भी बड़ा अनप्रडिक्टेबल होता है। पहली दफ़ा पिंडी में देखो, जब से हम शौक कर रहे हैं ना, जब भी हम स्पेशली वनडे वगैरह उड़ाते हैं, हर दफ़ा मौसम में कहीं ना कहीं तूफान वगैरह हर दफ़ा ही पड़ा है तकरीबन। पड़ा जी, पिछले 3-4 साल की अगर मैं बात करूँ ना एवरेज ले तो हर दफ़ा तूफान बारिश वगैरह, लेकिन आज का जो दिन है ना वो बड़ा कूल दिन है मौसम के लिहाज से। हाँ हवा आई है लेकिन इतनी तेज़ हवा नहीं थी कि वो बने हुए कबूतर को वो डिस्टर्ब कर सके। हम लोग कबूतर आज जो नीचे आए हैं हवा की तरफ में, सारी बातें वो बैठ गए हैं और वो उनका जोर टूट चुका है तो इस वजह से वो बैठ चुके हैं। लेकिन इस हवा से पिंडी में ना, पिंडी की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि मैं बताना चाहता हूँ ना जो देखने वाले हैं जी, पिंडी में बहुत ही जो है ना मुश्किल शौक है। टेम्परेचर के लिहाज से अगर बाकी पंजाब को देखा जाए ना जी, तो उस लिहाज से टेम्परेचर तो यहाँ फिर एक जैसा नहीं रहता जी। मैं समझता हूँ और उसका खालिद खटक भाई जो हमारे उस्ताद हैं वो समझते हैं कि कबूतरबाजी खड़े मौसम। अच्छा, अगर स्टिल एक तरह मौसम खड़ा रहे जी तो कबूतरबाजी आसान है। अगर मौसम में मौसम शफलेट करेगा, ऊपर नीचे होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे पिंडी में ऐसे होता है कि 38 चल रहा होता है फिर अचानक ड्राप होके 22 पे आ जाता है जी, तो इस तरह ये मौसम की वजह से पिंडी का शौक मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल है सही। पिंडी में हालांकि पंजाब वाले बाकी इस तरह बहुत अच्छे शौकीन हैं, लाहौर वगैरह, कसूर वगैरह, ये सारे जो सरपोर्ट बहुत है, लेकिन पिंडी का वेदर जो है ना इसकी हमें खुद समझ नहीं आती कि कल क्या होगा जी, क्या होगा जी। कबूतरबाजी खड़े मौसम की मौसम है, टेम्परेचर स्टिल खड़ा रहे, अगर पिंडी में एक हफ्ता भी मौसम खड़ा रहे तो हम बड़े खुश होते हैं। खुश होते हैं बिल्कुल, ऐसे ही हमें बड़ी खुशी होती है कि मौसम खड़ा है, लेकिन यहाँ पे आए दिन तूफान, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमेशा ही कोई ना कोई। जेठ की बात करें तो जेठ में भी 3-4 दिन अगर मैं बात करूँ ना तो ठीक ठाक 40-45 टेम्परेचर पड़ रहा था, ड्रॉप होकर 27-28 पे आ गया जेठ के मौसम जी, तो वो इससे कबूतरों को बहुत फर्क लगता है ना, इससे कबूतरबाजी खड़े स्टिल एक जैसा टेम्परेचर रहे तो उसमें कबूतर की समझ आ रही होती है, जितना हॉट हो वो इफेक्ट नहीं करता जी, मतलब हॉट वेदर जितना हो लेकिन एक खड़ा मौसम हो, गर्मी प्रॉब्लम नहीं है, चेंज प्रॉब्लम है, मौसम एक तरह का होना चाहिए, एक तरह का होना चाहिए। कबूतरों की परफॉर्मेंस में, कबूतर की परवाज में बहुत फर्क आता है, सही हो, और संभाल में भी, बिल्कुल संभाल में भी मुश्किल होती है आपको जी। अगर मौसम शफलिंग करता है 38 से 27 पर आता है, कभी 22 पे आता है, तो ये मतलब है ना गुड साइन नहीं है कबूतरबाजी की। आपने संभाल की बात की तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो किस क्या चेंज आता है संभाल में, थोड़ा सा अगर इस हवाले से थोड़ा इस पर नजर सानी करेंगे। जारी बात है हम फिर जो है ना उस लिहाज से ना देखते हैं कि कबूतर असल चीज़ होती है ना संभाल में, कि आपने वही कबूतरों एक ऊपर से आ रहा हो जी, कि वो किस तरह कुंदा मार के आ रहा है, किस तरह परवाज देके आ रहा है, आया वो मिड में खड़ा है, हाइट में खड़ा होके उड़ रहा है, मिड में खड़ा होकर हवा की पोजीशन किया है, और नीचे आके स्पेशली जब वो लैंड करता है तो उसकी सूरतयाल को देखा जाता है कि भाई कबूतर ने पाँव कैसे टेके, अच्छा मतलब पाँव कैसे रखे, आया मतलब है ना कि वो एक जबरदस्त पोजीशन में आके बैठ गया जी। तो उसके बाद संभाल का तो उसके बाद
होता है कि भाई हम देखते हैं कि कबूतर की पोजीशन क्या है, कबूतर अपने पाँव पे बैठा है जी, संभाल को उसी लिहाज से देखा जाता है, संभाल को। थोड़ा सा बताएं कि अगर जब कबूतर बैठा है किस तरह, कितना टाइम देते हैं उसको बाहर मतलब बैठा रहे अंदर करना? हमारा तो ये है कि हम 10 मिनट के अंदर अंदर ना कबूतर अगर खराब बैठा हो तो फौरन हम पकड़ ले जी, अगर कबूतर जो है ना अपने पाँव पे बैठा है तो फिर हमें टेंशन नहीं होती, अगर 10-15 मिनट की जाल के ऊपर बैठा रहे चाहे टेम्परेचर भी लगा जी तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर कबूतर को जो भी होना तो घंटे के अंदर मतलब जाल पे अगर बैठा है तो आपको कोशिश हर बंदे को करनी चाहिए कबूतर नीचे आए। उसके बाद फिर पानी वगैरह के क्या देते हैं, सदा पानी पलटाना करता पलटाते हैं उसे, नहीं पलटाते? जब अगर एक कबूतर में आपने दाना लेट डाला है कबूतर को ना आपने, अच्छा, लेट दाना डाला है जैसे बिलफर्द अगर आपकी रूटीन है 3 बजे 2:30 बजे आप दाना डाल रहे हैं सुबह आपने, ये मैं जेठ की मौसम की बात कर रहा हूँ ना जी, अगर कबूतर में दाना है उसका हाजमा स्लो है जी तो जाहिर बात है अगर वो कबूतर टाइम से निकल आया और वो मिड में आके खड़ा हो गया, घंटा डेढ़ भी उड़े आधा घंटा भी उड़े तो कबूतर से उसको फ़र्क लग रहा है, उसमें दाना होगा तो जाहिर बात है खुद तो कबूतर की पोजीशन बैठने की खराब ही होगी, और वो खराब ही होगा तो उसके बाद देखने के बाद जाहिर बात है आपको पलटाना चाहिए अगर उसमें दाना हो तो। दाने की वजह से क्या क्या खराबी कबूतर में आ सकती है, अगर उसके पोट में दाना था आपने सुबह पलटाया नहीं या जाने दिया ऐसे ही? गर्मी में तो जाहिर बात है अगर टेम्परेचर सख्त हो तो दाना तो इस तरह है ना कि कबूतर को दाना जो है ना वो इस तरह है कि आपको जो है ना पलटा के उड़ाना चाहिए फिर। अच्छा, अगर सुबह, लेकिन इससे ज़रूरी चीज़ है ना कि मौसम को देखते हुए ना आपको ना दाने का एक टाइम मुकर्रर करना चाहिए। सही, दाने आपको एक टाइम, ये नहीं कि आपने एक दफ़ा 3 बजे दाना डाला तो अगली दफ़ा 5 बजे दाना डाला। सही, दाने की एक टाइमिंग रखनी चाहिए। तो इसी तरह क्या कहते हैं अगर कबूतरों का हाजमा वगैरह स्लो हो तो आप अजवाइन वगैरह देसी पानी वगैरह हम बना के देते हैं। अच्छा, तो अगर हाजमे स्लो चल रहे हो तो उससे काफ़ी फ़र्क लगता है, लेकिन गर्मियों की और असू की कबूतराबाजी में थोड़ा फ़र्क है। असू में जो ये होता है ना कि अगर कबूतर में थोड़ा बहुत दाना भी होना उसको फ़र्क नहीं लगता, टेम्परेचर डाउन होता है तो वो कबूतर को तंग नहीं करता, लेकिन गर्मी में जारी बात है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर कबूतर मेड में खड़ा रह गया तो जारी बात है दाने से ख़राब होगा तो उसको फौरन पलटाना चाहिए। सही हो गया, ठीक हो गया। माशाल्लाह, खालिद खटक साहब भी हमारे साथ इंटरव्यू में हैं तो वो हमें देख रहे हैं। अच्छा, देख रहे हैं जी जी, बिल्कुल हो गया। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा खुराक के बारे में, तो खुराक में क्या देते हैं इनको, बादाम वाली खुराक जो है उसमें मेनली क्या चीज़ होती है? और एक तरीका होता है, देखें लोग करते हैं कि ज़बरदस्ती गोली उसको दी जाती है, एक होते हैं वो डाल देते हैं और कबूतर खुद खाता है, तो आपका क्या तरीका कार है इसमें? सारी बात है जो जब कबूतर उड़ के आया होता है ना तो 9-10 घंटे की परवाह दी होती है और खुराक पे मतलब खुराक उसको लगी होती है, खुराक आप दे रहे होते हैं तो बेहतर तरीका तो यही है कि कबूतर के आगे आपको दाने बना के ना बोल दाना बंडिया जिसको कहते हैं जी, वो बना के आप दाने कबूतर अपनी मर्जी से उठाएं। अच्छा, अगर हाँ, एक टाइम 5-6 कबूतर एक साथ मतलब बैठ रहे हैं उनकी खुराक बन रही हो तो जी आगे डालनी चाहिए खुराक। आप ऐसे ही डालते हैं उनको? हम ऐसे ही डालते हैं। सही, हम ऐसे ही डालते हैं, ना कि खुराक, जाहिर बात है ना कि खुराक में अगर आप तो बहुत लेट करते हैं कबूतर को 10 बजे देते हैं 11 बजे देते हैं, जाहिर बात है वो भी इसी तरह आगे आप दे सकते हैं, लेकिन कुछ कबूतर अगर खाली हो गए हों तो जाहिर बात है ये इसमें ज़रूरी ये नहीं है कि आप मतलब एक साथ, जिस तरह मैंने दाने की बात की ना कि आपने एक टाइम में दाना देना है, लेकिन सुबह की जो खुराक होगी वो आपने कबूतर के हाजमे को देखते हुए आपने कबूतर सेलेक्ट करने हैं, अगर आपने आगे डालनी है कबूतर 6 बजे खाली हो गया 5 बजे खाली हो गया तो जाहिर बात है आप आगे फेंक सकते हैं उनके आगे तो उठाएंगे। सही, कुछ लोग और ऐसे हम स्टार्ट में ऐसे हम भी करते रहे हैं, नाभी की खुराक हम जो है ना हाथ से देते थे, खुद देते थे जी जी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये उस वक्त की पोजीशन पर होता है कि कबूतर क्या पोजीशन है। ठीक हो गया। अच्छा, बातें आपकी ब्रीड्स की तरफ, तो कौन कौन सी ब्रीड्स आपके पास इस वक्त जो है जेठ में या असू में जो है वो अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं आपको? हमारे पास शर्मीली भी हैं, खालिद भाई के हाथ के लगे हुए जोड़े हैं, काफ़ी अच्छे से ना वो खालिद भाई जो है ना शॉप में जो है ना तकरीबन 2007-08 से शॉप कर रहे हैं जी, तो वो जोड़े खुद लगाते हैं, बड़े अच्छे जोड़े लगाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। इस वक्त शर्मीली भी हैं, सलारे भी हैं, ग्रेडी भी है, कसूरी भी है, सही डब वाले भी हैं। अच्छा, सबसे फेमस क्रॉस में जब उड़ाने की बात आती है कौन सा क्रॉस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है, या आप पर्सनल फेवरेट भी होते हैं कि यार मेरे ये हैं बाकी भी अच्छे हैं लेकिन मुझे इनका ज़्यादा मज़ा आता है? सर, मैं रिसेंटली पिछले 2 साल की बात करूँ, खालिद भाई ने जो क्रॉस में जोड़े बनाए हैं टेडी क्रॉस में जो जोड़े बनाए ना वो बहुत हाई परफॉर्मेंस है, वो स्पेशली जब मैं बच्चों को उड़ाता हूँ बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बच्चों को तो सही क्रॉस में जो जोड़े बने हैं वो जेठ में काम आते हैं या सू या दोनों में ही आप यूज़ कर रहे हैं उसको? खालिद भाई ने पिछले 2 साल में जितने भी जोड़े लगाए हैं सारे रिजल्टेड जोड़े हैं, बच्चे
मतलब कोई भी ऐसा बच्चा हमें नज़र नहीं आया कि खाली कोई घास लगा हुआ जोड़ा हो, और वो मतलब बच्चा उड़ा ना उसे, हमने कहा कि ये जो होता बच्चा वो मेरे, ऐसा नहीं हुआ पिछले दो सालों में। इस दफ़ा खालिद भाई आए थे तकरीबन महीना डेढ़ यहाँ पे रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की जोड़ों के साथ, जोड़े हमने लगाए हैं कोई 35-36 जोड़े ठीक हो लगे, सही हो गया। चलिए नासिर भाई हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं? अच्छा, आप भी माशाल्लाह शागिर्द हैं और आप ख़ुद भी उड़ाते हैं अपनी छत से, तो कुछ हवाले से इस असू के हवाले से क्या गाइड करेंगे हमारे नए शौकीन को, क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह कबूतरों को उड़ाना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन से बचना चाहिए? असू के हवाले से जैसे शायद भी ने अभी बताया, बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए, क्योंकि मौसम अपडाउन होता रहता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है कूटों के बीच। सुबह उड़ाते टाइम भी अगर आपके कबूतर प्रॉपर तैयार नहीं है जी, तो अगर सुबह के टाइम नमी है तो आम जो हम उड़ान ले रहे होते हैं, फिरते ले रहे होते हैं, उसमें यह है कि जब थोड़ा सूरज निकल आए उस टाइम उड़ाना चाहिए, क्योंकि तो अक्सर कच्चा कबूतर होता है अगर सुबह नमी में उठ के ऊपर जाता है तो कुंदों में नमी चढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर बहुत मुश्किल हो जाती है कबूतर को सेट करने के लिए। सुबह भी निकाल, अच्छा कुंदा लग जाए तो उसका क्या कोई फौरी हल है? थोड़े हमारे ये भी टिप भी दे दें क्योंकि नजरातों को थोड़ा सा कुंदा जिस टाइम लग जाता है कबूतर को गर्माइश चाहिए होती है अक्सर, अच्छा। उसको लोग धाबू भी लगाते हैं गर्म पानी देके, अच्छा कुंदे को जो है ना नमी को खत्म करना होता है। आप क्या करते हैं यहाँ पर ज्यादा, क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? अच्छा सही, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देते कुछ नहीं। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, देसी पानी वगैरह इस्तेमाल कर लेते। ठीक हो गया। अच्छा असू के कबूतर में और जेड़ के कबूतर में बुनियादी फ़र्क क्या आप देखते हैं और किस तरह का होना चाहिए, क्या डिफरेंस मेनली जो है कबूतरों में आता है कि यार ये असू का या जेड़ का कबूतर अच्छे है? जी बिल्कुल ठीक है, और अगर आपके कबूतर की अच्छी ट्रेनिंग हुई भी है, वो अंधेरे में घर रख के बैठ रहे हैं अंधेरे में जी, फिर तो बहुत अच्छी बात है। वैसे असू में ज़्यादातर कबूतर नरम ही उड़ाया जाता है, जो कि कबूतर आपका ज़्यादा गिराई ना करे, गिराई ना करे, जब वो गिराई नहीं करेगा तो वो टाइम से बैठेगा, बैठ जाएगा, क्योंकि चैलेंज हमारे पास बिठाने का ही होता है कि टाइम कम होता है, गेम उठाने बैठना है कबूतर आपका टाइम पे बैठ जाए। नाइट की ट्रेनिंग के हवाले से क्या कैसे तैयारी करते हैं आप, मतलब रात में ये है कि उनको दाना वगैरह लाइट ही में डलता है, लाइट में खोलते हैं, वायर निकालते हैं, उड़ाते भी हैं, निकालते हैं उड़ाते भी हैं रात में, किस टाइम पे उड़ाते हैं नाइट के लिए, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? पहले आपको लाइट पे अंधेरे में कबूतर को बाहर निकालना है, अच्छा सही, रोशनी में नहीं निकालना, ठीक, अंधेरे में जिस टाइम थोड़ा सा कबूतर का डर खत्म हो फिर आप उसे अंधेरे में उड़ाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी की तरफ लेके जाएं। मतलब लाइट्स ऑन नहीं करनी आप ये कह रहे हैं या लाइट्स ऑन करनी है? लाइट्स ऑन करनी है, उसी में आपने खोलने है, मतलब पहले खुटों के अंदर खोलने हैं, खुटों के अंदर बाहर दाना डालते हैं अंधेरे में कबूतरों को, उसके बाद बाहर निकालते हैं अंधेरे में जी, लाइट्स ऑन करके जी, तो फिर बंद करें, फिर दाना उस टाइम डालें, उड़ाना नहीं है उनको, मतलब कुछ दिन के बाद है जब आपका मानूस, हाँ जब थोड़ा सा उसको अंधेरा से उड़ना लगे, उसके बाद आप कबूतर को अंधेरे में पहले उड़ाएं ताकि वो अंधेरे में उड़ के नीचे अपना घर देखे, तो पहले क्या बांध देते हैं फिर ताकि उड़े नहीं, या क्या करते हैं जब निकालते हैं बाहर निकालते हैं? जारी बस डर के तो वो उस टाइम भी उड़ सकता है शुरू शुरू में, जो जिन्होंने पार अगर आपने खींचे हुए हैं नए नए पार निकल रहे होते हैं कबूतर को, तो अच्छा में भी बाहर निकाल देते हैं, सही, बच्चों को ये पार बांध के बिठा लें, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसे अगर 6 बजे अंधेरा होता है आप 6:45 उड़ा दें जी, कबूतर हाइट नहीं करेगा अंधेरा पड़ जाएगा तो उसको आदत होगी घर देखने की, अंधेरे में वो घर आ जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाते जाए, 5 बजे ले जाए 4 बजे उड़ा दें, सही। अच्छा असू की किमियागरी और जेठ की किमियागरी में क्या फ़र्क आता है मेनली, क्या चीज़ें जेठ में यूज़ होती हैं? असू में भी और जेठ में भी मेन जो चीज़ है ना वो आपने उसका कोड देख के चलना है, अच्छा कबूतर का आपका कबूतर असू में ये है कि खाली नहीं जाना चाहिए जी, और जेठ में खाली जाना चाहिए, अच्छा, और अगर खुराक लेके भी जा रहा है और आपको पता है मेरा कबूतर अच्छा तैयार है और इतना कैलिबर का है कि ये कबूतर आधे घंटे बाद बंद हो जाएगा जी, फिर उसे इशू नहीं है जी, अगर आपको पता है मेरा कबूतर बुलंदी में रुकता है जाके तो उसको खाली तो बुला, क्योंकि जेठ में वो कबूतर नहीं चल सकता, अच्छा बड़ी टिप दिए जी। अच्छा इसके बाद बात करते हैं हम के कबूतरों की जो तैयारी के हवाले से, ठीक है उनकी
खुराक कब से स्टार्ट करनी चाहिए और कौन सी खुराक आपने मेनली अपने कबूतरों को दी देते हैं, मतलब कि जब वो परवाजों में आते हैं, दाना क्या यूज़ करते हैं? दाना बाजरे ही खाते हैं। पहले बाजरा शुरू में देते हैं? हाँ, स्टार्ट में थोड़ा मोटा दाना रखते हैं क्योंकि अच्छा, बाजरे पे एकदम कबूतर जंप करता है। अच्छा, थोड़ा कबूतर को रवा करने के लिए ना, उसकी चर्बी जारी बात है, खड़ा होकर खा रहा होता है कबूतर तो फिर उसको जरा नहीं। पर पटाई जब करते हैं उसके बाद कोई खुराक क्या स्पेशली मेन परों के लिए, ताकि पर अच्छे आए, ग्रोथ अच्छी हो परों की? इस्तेमाल करते हैं सरसों का ज़्यादा। तेल वगैरह के करते हैं कुछ? तेल वगैरह का नहीं करते, जिस टाइम आ जाते हैं कबूतरों के चप्पे चप्पे पर तब देसी के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब नहीं निकले हुए होते तब नहीं करते। अच्छा, जब रैक पे चढ़ना शुरू हो गए ना आपके कबूतर तब देसी के इस्तेमाल करते हैं, वैसे सरसों का इस्तेमाल करते हैं। कितने कबूतर आपके इस टाइम जो असू में डले हैं वो जेठ में भी थे, जेठ में भी उड़ाए थे? इसमें 5-6 कबूतर हैं जेठ में उड़ाए थे, वो हमारे लाइट के लगे हुए, बाकी असू के लाइट के लगे हुए। अच्छा, तो वो 5 जो 6 लगाए हैं क्या रीज़न थी कि सिर्फ वही 5-6 आए हैं, बाकी आपने सेलेक्ट नहीं किए? वो बैठते नहीं क्योंकि तो वो आसमान नहीं छोड़ते टाइम से। अच्छा, जो नहीं चढ़ डाले आपने? जो नहीं डाले। अच्छा, तो वो अगर इस मौसम में डालते तो वो रात पार कर लेते, रात पार या ओवर टाइम हो जाते? सही हो गया, तो सही हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, अब थोड़े कबूतर दिखा देते हैं, मेन मेन ब्रीड्स के कुछ कबूतर हमें दिखा दें ताकि शौकीन हजरात हमारे साथ जो हैं वो भी इंजॉय कर सकें, देख सकें आपका शौक। वकील भाई, कोई कबूतर का शौक करा दें, कबूतर का शौक ब्रीडर दिखा दें कुछ, मतलब मेन मेन जो है ना आपके, आप दिखाएं ना। जी नाज़रीन, अभी आपको कबूतर दिखाते हैं ब्रीडर्स कुछ, खालिद खटक साहब के जो मेन ब्रीडर्स हैं। बैठे नहीं रहा, यहाँ बैठे, मैं पीछे हूँ जी। शायद भाई ये कौन सा ये है? तो शर्मिला, देखने में तो ये ज़ीरा नज़र आता है ना, लेकिन ये है शर्मिला, जो हमारे मेन ब्रीड है शर्मिला हमारे पास जो है उसमें से है। इसकी मैं आपको आंख का शौक करा देता हूँ और मोरे का शौक करा देता हूँ जी। ये बहुत फास्ट कबूतर है, जितने भी बच्चे बनाता है ना बहुत फास्ट, बहुत ज़बरदस्त। ये शर्मिला ब्रीड है, इसका है ज़ीरा, इसका मैं आपको कुंदे का शौक और करवा देता हूँ। माशाल्लाह जी, कुंदे का शौक करें, ज़बरदस्त। क्या परवाज़ है, क्या इसके बच्चों की परफॉर्मेंस उड़ी रही है साथ साथ, इसके बताते जाइए। हाँ जी जी, इसके बच्चे जो है ना शाम शाम तक उड़े हुए हैं और बहुत फास्ट है, लेकिन एक मसला इसमें बच्चे हैं ना, मतलब है ना बहुत स्टार्ट में इन बच्चों को जो है ना हम इनको ज़्यादा टाइम देते हैं छत पर, ज़्यादा टाइम अच्छा। इसलिए देते हैं कि ये स्टार्ट में ही ना बुलंदी में घुसने की कोशिश करते हैं अच्छा। जिसकी वजह से मैं यहाँ बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, तो इस जोड़े की कोशिश हमारी ये होती है कि इसके ना हम जैसे ही निकालते हैं एक हफ़्ता 10 दिन बैठे रहते हैं। हाँ जी जी, हाँ जी जी, बैठे रहते हैं बच्चे, तो क्या कहते हैं ना उसके बाद हम इनको ना बीज में से ना कैंची मार देते हैं ताकि अच्छा। ना तो इनकी परवाज़ को कंट्रोल किया जा सके स्टार्ट में। हाँ स्टार्ट में, बाकी इसके बच्चे लाइट के भी, लाइट पे भी बैठते हैं, जो हमारे पास बड़े वगैरह 10 पर साफ हुए हैं। इसके साथ मादी कौन सी लगाई हुई आपने, जरा वो भी शो करवाए ना। इसके साथ मादी कौन सी लगी? जी सर, छटा भी आपको दिखा रहे हैं और माशाल्लाह बेहतरीन ब्रीडर्स कबूतर, परवाजी कबूतर, बेहतरीन सेटअप और रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बड़े अच्छे आते हैं हर दफ़ा। जेठ में भी, असू की बात करें उसमें भी, तो आज भी माशाल्लाह अभी 4 कबूतर बैठे हैं 21 में से, बाकी मेवे परवाज हैं। उम्मीद करते हैं कि वो भी इंशाल्लाह पूरे होंगे और अच्छे जो है ना वो टाइम करके बैठेंगे और ओवर टाइम नहीं होंगे। ये मादी, ये जो मैंने ज़ीरा कबूतर आपको दिखाया जी, ना ये 79 नस्ल है, इसमें हमने इसे क्रॉस दिया है अच्छा। और ये फर्स्ट टाइम इस कबूतर के साथ लगी है, क्योंकि हर साल तकरीबन ना इसके साथ कबूतर हाँ चेंज करते हैं, ये फर्स्ट टाइम 79 वाला पर इसमें हमने दिया है इसको। हाँ जी जी, ये मैं आँख का शो करा देता हूँ, क्योंकि अगर होती है। हाँ जी जी, लोग ये इधर तो अभी साया है ना, अगर हम इसको धूप में लेके आते हैं ना ताकि देखने वाले नहीं है,
उनको समझ आ सके। अभी आपका मैं आंख का शोकरा था क्योंकि धूप में ना अभी इसकी आप जो है ना फोकस करें। हाँ, 79 का पर ये जीरे शर्मीले के साथ लगाई थी जिसका मैंने शोक करवाया। 79 वाला पर दिया, ये क्रॉस जोड़ा लगा है क्रॉस में माशाल्लाह। हाँ, ये इसके मैं आपको कुंदे का शोक करवा देता हूँ। ज़बरदस्त जी, वाइब्रेशन देखिए नाज़रीन, वाइब्रेट भी कर रहा है इसका कुंदा और बेहतरीन कुंदा माशाल्लाह, पर 3 ब्रीडर पेयर लगाया हुआ है माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त हो गया। ये पूरा कलर भी देख लें इसका, 79 वाले नस्ल है, 79 वाले ठीक हो गया ज़बरदस्त जी। अगला नसर भाई, ये शर्मीले सही, इन्हें प्योर नहीं हम उड़ाते हैं, इनके बच्चों अच्छा, को ना क्रॉस करके उड़ाते हैं। किस ज्यादा किसके साथ क्रॉस करते हैं, कौन सी ब्रीड के साथ, टेडियों में? हाँ, टेडी कबूतरों में करते हैं, सेलकोटियों में, सेलकोटी भी हैं कबूतर। अच्छा, उसकी आंख जरा पकड़े ना, धूप में उधर नहीं, नहीं यूँ ठीक है। ये जी नाजरीन देखें इसकी आँख माशाल्लाह, समझ आ गई होगी आपको, ये ब्रीडर कबूतर है और इसके साथ जो माता भी लगाई हुई वो भी इसका भी शो करवाते हैं। कुंदा दिखाइएगा इसका माशाल्लाह जी, ये देखें, ये देखें इसका कुंदा, लेंथ देखें कुंदे की, आखिरी 3 बरों का आपको शो करवाते हैं स्पेशली, क्योंकि इस पर बड़ी बहस होती है। ये देखें 9वां बड़ा है, बाकी 10वां 8वां छोटे हैं। ये इसकी मादी का शो, इसी की मादी है, ये बड़े शर्मीले की मादी है, ये भी अच्छा, शर्मीले में से हैं। इसका भी 10वां पर निकल रहा है माशाल्लाह, कुंदे का शौक करें जी, ज़बरदस्त हो गया, बहुत ही लाजवाब कुंदा है, मादी है और इसके कुंदे की आप ये देखें, इसके 10 पर 9 पर 10वां भी आ रहा है, लेकिन ये एक बेहतरीन कुंदा है माशाल्लाह, ब्रीडर कबूतरी और ज़बरदस्त कलर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है इसका, और इन्होंने जो नर्व भी लगाया वो भी इस हिसाब से कलर भी सेम बनेगा, और आगे से ये कि क्रॉस में ये सलारों में क्रॉस देते हैं कोटिंग। ये खालिद भाई के बहुत पुराने कबूतर हैं सलारे, इनका जेठ में बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा ही, ये बहुत पुराने खालिद भाई के कबूतर हैं। चलें जी शो करवाते हैं, फिर हम दिखाते हैं अपने। धूप में दिन थोड़ा आँख में मज़े किए बस, कुंदा देखें इसका, इनका जेठ में बहुत रिजल्ट है, खालिद भाई के बहुत पुराने कबूतर हैं ये। रेंजी शो करें इसके पूरे कुंदे का आपको, पर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है सब कबूतरों का, मतलब ब्रीडर हैं तो वाकई ब्रीडर वाली ब्रीडिंग वाली सारी क्वालिटीज़ ब्रीडिंग में इनकी मौजूद हैं, और अच्छे ब्रीडर्स कबूतर। शेयर भी करें इस वीडियो को ताकि मज़ीद शौकीन हज़रात जो है वो इसको अच्छे शो को एंजॉय करें, ये कि सीखने के लिए बड़ा कुछ है आपके लिए, ठीक है, जो यंग शौकीन हज़रात हमारे साथ इस वीडियो को देखेंगे, इन कबूतरों को देखें, ऐसे कबूतर ऐसे कुंदे के मालिक कबूतर जो हैं उसको आप ब्रीडिंग में यूज़ करें इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर के हवाले से अगर थोड़ा बताना चाहें कि कैसे स्ट्रक्चर्स हैं इन कबूतरों के, क्योंकि वो एक चीज़ होती है कि लोग नहीं देख सकते, उन्हें बताना पड़ता है, थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे स्ट्रक्चर जो है वो कबूतर की बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी ही है कबूतर की जी, जिसमें दुम भी है, पर भी है, सब चीज़ें आती हैं जी,
इसका जो स्ट्रक्चर है हमेशा कबूतर का कबूतर के पर के कुंदे के हिसाब से लगा होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं है, हम लोग जैसे अक्सर बात करते हैं कि भाई ये बैलेंस है। जी बैलेंस, बिल्कुल, हम इसे बैलेंस कहते हैं। जी, जबकि बैलेंस पूरा कबूतर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर आपने उसको पर अच्छा दिया है तो आपने उसके बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसे ही देना चाहिए कि बॉडी स्ट्रक्चर उसके इंजन का काम कर रही है। जी ऐसे ही है। तो अगर आपने पर उसको तेज दिया है तो इंजन भी आप उसको अच्छा देंगे। अच्छा, कैसा मतलब कि अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, कैसी कश्ती नुमा होनी चाहिए, प्लेन हड्डी होती है या तो सब उड़ती है। अच्छा आप सही, कश्ती नुमा भी कह लें, फ्लैट भी कह लें। जी, हड्डी एक जैसे का कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, हर अब इसकी अगर इसी के कबूतर की बात करें, आप नीचे भी इसके हाथ लगा के इसकी हड्डी और जोड़ की हमें पोजीशन बताएंगे क्या है, मतलब कि कश्ती नुमा इसकी हड्डी है, मतलब चुभती है थोड़ी सी नीचे से जब आप हाथ लगाते हैं तो चुभती है और गोश्त नहीं है इसके अंदर, गोश्त नहीं है। जो जेट का कबूतर होगा ना वो आपको गोश्त वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं होना चाहिए, मतलब गोश्त वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं, गोश्त और मसल में फ़र्क बताएं, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई गोश्त और मसल में फ़र्क क्या है। मसल एक है ना, एक होता है फैट। जी ठीक है, फैट, बिल्कुल फैट नहीं होना चाहिए कबूतर के अंदर, मसल बेशक हो हाँ, लेकिन फैट नहीं होना चाहिए। वो फैट अक्सर आपको हाथ में लेके अंदाजा होगा, वैसे नहीं हम बता सकते। कबूतर की कौन कौन सी जगह ज्यादा फैट असर अंदाज कर सकता है उसकी परफॉर्मेंस पे? छाती पे। सही, अक्सर औकात होता है कि हमारे कबूतर छाती से ही वर्म कर जाते हैं। अच्छा, जो आपका वेटलेस कबूतर होगा ना, वो पटाई के बाद भी जब आप निकालेंगे ना तो वो कबूतर आपको तंग नहीं करेगा, वर्म में नहीं आएगा। जी, जो फैटी कबूतर होगा वो बहुत जल्दी वर्म में आएगा, वो फिर आपको तंग करेगा। जी, फैटी कबूतरों को इसीलिए पसंद किया जाता है कि उनके ऊपर फैट नहीं है। फैट नहीं है। सही। और जो परों की बात करें, अक्सर ये जो जगह होती है यहाँ पे भी हम अक्सर ये जो कुंद इसका शोल्डर कह लें हम। जी, इसकी ये हर उस्ताद की अपनी राय है। अच्छा, किसी काम नहीं कह सकते आप कैसे, हर एक की अपनी इसके ऊपर फैट का कैसे पता चलता कि फैटी फैट है या नहीं है? आप ये चीज को हाथ लगाते हैं तो आपको खुद अंदाजा हो जाता है, मोटी होती है। हाँ, मोटी होती है। अच्छा सही। अच्छा, एक कबूतर जो है उसको जब पर खोलें तो वो खोले नहीं देता, वो मतलब जोर लगाता है, इसको आप कोई पॉइंट देते हैं या आपकी नज़र में दोनों ही बराबर हैं, जो खींचेगा वो भी इक्वल है, जो नहीं खींचता, जो ढीला छोड़ देता है अपने पर को इजीली ओपन करने देता है वो भी अच्छा कबूतर? दोनों इक्वली कह लें, क्योंकि सबकी अपनी राय है। अच्छा, हर उस्ताद की अपनी राय है। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि ये पर सबसे ज़्यादा अच्छा उड़ता है, जी एक मिसाल दे रहा हूं। जी जी, तो इस पर के अलावा भी मेरे पास पर है जो शाम तक उड़ते हैं। मैं इसको अव्वल और आखिर नहीं कह सकता, हतमी नहीं कह सकते भाई, यही सिर्फ यही होगा तो उड़ेगा, इसके अलावा नहीं उड़ेगा। इसी तरीके से कोई कुंदा छोड़ देता है जी,